कन्नौज रेप आरोपी की बीजेपी नेताओं के साथ फोटो वायरल, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्षी इंडिया गठबंधन ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद से लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि उसको बदनाम करने की पूरी साजिश की जा रही है। हालांकि कुछ मामलों में विपक्षी नेताओं की संलिप्तता हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष दूध का धुला हो, लेकिन कई मामलों को विपक्ष से जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर विपक्षी नेताओं का यही कहना है कि हार के बाद बीजेपी बौखलाई है। हाल ही में अयोध्या रेप कांड को ही आप देख लीजिए, किस तरह से उसमें जमकर राजनीति हुई। सपा के नेताओं पर रेप का आरोप लगा, वो जेल गए, हालांकि उसमें भी जांच चल रही है अभी। वहीं अब कन्नौज रेप कांड को लेकर प्रदेश की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। नाबालिग से रेप की कोशिश में नवाब सिंह यादव नाम के व्यक्ति को जेल भेजा गया, उस पर एक बड़ा आरोप लगा है। इस मामले में सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। पहले कहा गया कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का नेता है, तो उस वक्त बीजेपी नेताओं को सपा पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका मिल गया, जमकर उस पर राजनीति हो रही है। सपा पर तमाम इल्जाम भी लगाए गए, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है और ये खेल पूरी तरह से पलट चुका है। जी हाँ, बता दें कि जिस नवाब सिंह यादव पर रेप की कोशिश का आरोप है, उसे सपा का नेता बताया जा रहा है। अब उस नवाब सिंह यादव की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रही है। अब भाई ये गजब ही हो गया, मतलब रेप का आरोपी सपा का नहीं, क्या बीजेपी नेता है? लोगों के मन में अब यही आ रहा है। अब तस्वीर देखकर तो हर कोई यही कहेगा ना, एक तो सपा ने भी साफ कह दिया है कि नवाब सिंह यादव को 5 साल पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था, बाद में उसकी नजदीकियां बीजेपी नेताओं के साथ बढ़ने लगी। अब तस्वीर खुद देखिए ना, आप ये तस्वीर देखिए जिसमें बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ नवाब सिंह यादव बैठा हुआ नजर आ रहा है, और सिर्फ बैठा नहीं बल्कि ठीक बगल में बैठा हुआ है। इससे ये साफ पता चलता है कि नवाब सिंह यादव बीजेपी के पूर्व सांसद का करीबी था। इतना करीब वही बैठता है जो किसी नेता के बहुत करीब होता है। तो जो सपा नेताओं के साथ नवाब सिंह यादव की फोटो वायरल कर रहे हैं, उनको बीजेपी नेताओं के साथ वाली फोटो भी दिखानी चाहिए। अब ये फोटो कब की है इसकी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रही फोटो एक नया मोड़ ले आई है। वहीं यूपी तक ने एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा भी है, कन्नौज में नाबालिग बच्ची से रेप के प्रयास में जेल भेजे गए नवाब सिंह यादव की भाजपा नेता व पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ तस्वीर वायरल। साथ ही बीते 4 अगस्त को कन्नौज में वरिष्ठ नागरिक सम्मान में नवाब सिंह यादव को SP द्वारा अच्छे काम किए जाने के लिए सम्मानित भी किया गया था। मामले में केस दर्ज होने के बाद नवाब को सपा नेता बताया गया है और कहा जा रहा है कि इन पर 16 केस दर्ज है। वहीं एक महिला की फोटो भी बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रही है, जिसको लेकर यूपी तक ने एक्स पर लिखा है कि कन्नौज पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के वायरल वीडियो में कुर्सी पर बैठी महिला की नई तस्वीरें सामने आ रही है। ये महिला पीड़िता की बुआ बताई जा रही है। तस्वीरों में इसे यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर में कन्नौज की बीजेपी जिला अध्यक्ष नेहा त्रिपाठी उसी महिला को बीजेपी कार्यालय में माला पहनाते हुए दिख रही है। महिला ने कमल का बैज भी लगाया हुआ है। अब सपा नेताओं द्वारा इन तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। हालांकि ये महिला पीड़िता की बुआ है या नहीं 4PM इसकी पुष्टि भी नहीं करता, लेकिन ये फोटो तेजी से इस वक्त वायरल हो रही है। तो इन सभी तस्वीरों से इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। वही एक और तस्वीर तेजी से वायरल हुई, जिसमें नवाब सिंह यादव SP अमित आनंद के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्हें अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने बाद में उनकी गिरफ्तारी का भी आदेश दिया। तो नवाब सिंह यादव की फोटो बीजेपी नेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी है, उसको सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि मीडिया व अन्य स्रोतों पर नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, जो गलत है। नवाब सिंह यादव करीब 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, यहां तक कि नवाब सिंह यादव पार्टी के प्रारंभिक सदस्य या सक्रिय सदस्य भी नहीं है। मोहम्मद कलीम खान ने बताया कि इसके बाद भी मीडिया पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी का सदस्य बताकर पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया को जारी किए गए पत्र में लिखा है कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी में किसी भी प्रकार का सदस्य नहीं है, इसलिए पार्टी से उसका नाम ना जोड़ा जाए। सपा लगातार ये बात कह रही है कि नवाब सिंह यादव को 5 साल पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, पार्टी से उसका अब कोई वास्ता
नहीं है, लेकिन बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया जी हाँ, और वो समाजवादी पार्टी पर इस वक्त जमकर हमलावर है। लेकिन अब जिस तरीके से जो बीजेपी नेताओं के साथ नवाब सिंह यादव की फोटो वायरल हो रही है, तो उससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नवाब सिंह यादव अब बीजेपी का नेता है। इस तरीके से उसकी तस्वीरें, तमाम तस्वीरें सामने आई बीजेपी नेताओं के साथ। तो सियासत में दबदबा रखने वाले नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। भाजपा इस घटनाक्रम को लेकर सपा पर हमलावर है, वहीं सपा ने मामले से पल्ला झाड़ रखा है। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर लिखा कि भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ कौन है, बलात्कार का आरोपी नवाब सिंह यादव है ना। वही सुरेंद्र राजपूत ने एक और पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कन्नौज की बच्ची से बलात्कार आरोपी जिस नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, सुना है उसी आरोपी नवाब सिंह यादव को आज सुबह सुबह कन्नौज के भाजपा अध्यक्ष थाने से छुड़वाने गए थे। ये संयोग है या प्रयोग, ये कौन सा रिश्ता है भाजपा और नवाब सिंह यादव का? सीसीटीवी फुटेज चेक होनी चाहिए, अपराधियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए तथा अपराधी को बचाने वाले के साथ ही अपराधी जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो सुरेंद्र राजपूत जो है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता उसको थाने में छुड़वाने गए थे। तमाम आरोप इस वक्त जब बीजेपी नेताओं के साथ नवाब सिंह यादव की फोटो वायरल हो रही है, तो इस वक्त विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर भी इस वक्त जमकर हमला बोला जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रुचि यादव लिखती है कि कन्नौज में नाबालिग बच्ची से रेप के प्रयास में जेल भेजे गए नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया था। नवाब सिंह यादव भाजपा के नेताओं का साथ देता था, बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर भी है। मयंक यादव लिखते हैं कि नवाब सिंह यादव को बलात्कार केस में फंसाने वाली महिला की तस्वीरें भाजपा नेताओं के साथ वायरल है, नवाब की भी तस्वीर भाजपा के पूर्व सांसद के साथ है, आखिर मामला क्या है? क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की तस्वीरें वायरल करवाकर सपा से जोड़ रही है? इस साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं विष्णु यादव लिखते हैं कि नवाब सिंह यादव की भाजपा नेता व पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ तस्वीर वायरल, सच्चाई भी यही है या बलात्कारी बीजेपी का है, लेकिन गोदी मीडिया भाजपा को बचाने के लिए सपा सपा चिल्ला रही है। तो कन्नौज रेप कांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो गई हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है और भाजपा पर तमाम सवाल भी उठने लगे हैं। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहे 4PM।